Hello, boys and girls, and welcome to Understanding Biology. आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो FSC पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 4 दी सेल का नया टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये काम कैसे करता है और इसका सेल में क्या बुनियादी फंक्शन है, यही सब कुछ हमने इस टॉपिक में स्टडी करना। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि ये पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहलाता है। एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है जिसका बेसिकली पर्पस ये है कि ये सेल के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन करता है। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, अगर आपको प्रीवियस चैप्टर नंबर 2 के अंदर वाली वो डेफिनेशन याद हो। नहीं बेसिकली सेल के अंदर जो भी फूड मटेरियल जाता है उसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू ग्लूकोज, फिर एक प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस का, द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज। ग्लूकोज की ब्रेकडाउन के बाद उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है एटीपी की फॉर्म में, और ये एटीपी जो है वो सेल की एनर्जी करेंसी है, और इस एनर्जी करेंसी के जरिए सेल के अंदर तमाम फंक्शंस होते हैं। तो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है, आपने जो कुछ भी खाया होता है आपके उस फूड को तोड़कर पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज की कन्वर्जन के बाद। तो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है, माइटोकॉन्ड्रिया आपके सेल में सेलुलर रेस्पिरेशन करता है जिसके नतीजे में ग्लाइकोलाइसिस और उसके बाद एटीपी फॉर्मेशन होती है। जब एटीपी प्रोड्यूस होती है तो सेल के तमाम काम चलना शुरू हो जाते हैं। अब इसकी डायग्राम की तरफ हम जरा देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में देखें, सबसे पहले मैंने कुछ यहाँ पे ग्रीन से पार्टिकल्स बनाए हुए, ये F1 पार्टिकल्स कहलाते हैं। F1 पार्टिकल्स को हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहते हैं और ATP सिंथेस भी कहते हैं, बिकॉज दीज आर द स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स जिनकी वजह से ATP प्रोड्यूस होती है। अब माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है, तो डेफिनेटली एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है। इसके दरमियान, आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान में कंपार्टमेंट है दैट इज फिल्ड विद अ फ्लूइड। इसी तरीके से इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स बनी होती है जिनको हम क्रिस्टी बोलते हैं। ये जो क्रिस्टी हैं, इनके अंदर एक साइटोप्लाज्मिक टाइप का फ्लूइड होता है, बिल्कुल जैसे साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड है बिल्कुल वैसे ही इस ऑर्गेनल के अंदर भी एक फ्लूइड मौजूद होता है दैट प्रोवाइड स्पेसिफिक साइट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशनल रिएक्शंस। तो जितने भी रिएक्शंस होने हैं वो इन्हीं के अंदर होने हैं। एट द सेम टाइम माइटोकॉन्ड्रिया की बड़ी मजे की बात यह है कि ये एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल से मुराद ये खुद ब खुद ही मल्टीप्लाई करती है, खुद ब खुद ही ये एक से दो हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही जैसे सेल एक से दो में डिवाइड हो जाते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया भी एक से दो, दो से चार में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब सेल के अंदर तो हमारे पास उसके डेटा के लिए DNA होता है, इसी तरीके से सेल्फ रेप्लिकेटिंग कहते ही उसको है जिसके अंदर उसका अपना कोड ऑफ लाइफ होगा जो कि DNA है। माइटोकॉन्ड्रियन के अंदर जब देखा गया तो पता लगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के जरिए इसके अंदर इसका अपना प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड क्या होता है, सर्कुलर टाइप का DNA मॉलिक्यूल है जिसके अंदर उस स्पेसिफिक ऑर्गेनल की पूरी डिटेल्स मौजूद है। इसी तरीके से इसके अंदर इसके अपने एंजाइम्स मौजूद हैं, इसके अपने राइबोसोम्स हैं। अब माइटोकॉन्ड्रियन के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे प्रोकैरियोटिक सेल के एंजाइम्स राइबोसोम्स होते हैं। इस वजह से कहा जाता है कि शायद माइटोकॉन्ड्रियन जो है वो एवोल्यूशन के टाइम पे आके मुख्तलिफ ऑर्गेनल्स के साथ रहना शुरू हो गया और अल्टीमेटली एक यूकैरियोटिक सेल वजूद में आ गया। इसीलिए कहा जाता है एवोल्यूशन के नतीजे में मुख्तलिफ छोटे छोटे प्रोकैरियोट्स इकट्ठे एक कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में रहने लगे और अल्टीमेटली हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हर प्रोकैरियोटिक सेल ने अपना एक कोई स्पेसिफिक फंक्शन स्टार्ट शुरू कर दिया जिसके नतीजे में एक कॉम्प्लिकेटेड सा
यूकैरियोटिक सेल वजूद में आया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशन के नतीजे में उस यूकैरियोटिक सेल से मुख्तलिफ जानदार डेवलप होने शुरू हुए। तो हम इसकी एक समरी की तरफ चलते हैं। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल है, इसके अपने राइबोसोम्स होते हैं, इसका अपना प्लाज्मिड होता है, इसके अपने सारे के सारे एंजाइम्स होते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है, सेलुलर रेस्पिरेशन में इसका काम है, एटीपी प्रोड्यूस करता है, और इसके अंदर एक मैट्रिक्स या फ्लूइड भरा हुआ होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। तो मेरा ख्याल है इतना काफी है आज के लिए। माइटोकॉन्ड्रियन के हवाले से कोई भी आपका सवाल है प्लीज नीचे कमेंट में कीजिए, मैं इंशाल्लाह उसका रिप्लाई करूंगा, और अगर जरूरत पड़ी तो एक और वीडियो बनाकर आपको क्विकली ये लेक्चर समझा दूंगा। तो मेरा ख्याल है आज के लिए इतना काफी है, कल तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।